हाउ की मात्रा सीखेंगे। ओके, आज है डेट 23/07/20 और ये है आओ। हमने पिछले हफ्ते ओ की मात्रा सीखी थी, ये है आओ। इसकी जो साउंड है थोड़ी लंबी होगी। आओ की मात्रा, ये स्टैंडिंग लाइन बनेगी आओ की मात्रा के लिए और ऊपर दो लाइंस इसी लाइंस के ऊपर टच करेंगे विद सर्कल, विद दीज टू सर्कल्स इस स्टैंडिंग लाइन को टच करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड क प्लस आओ प्लस आ कौवा। एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि ये जो मात्रा आएगी वो इसी स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आएगी, व्यंजन के ऊपर नहीं आएगी। अपनी स्टैंडिंग लाइन के साथ ये इधर ही आएगी, इस तरफ नहीं आएगी। तो हम अगर सोच रहे हैं कि हम ऐसे लिखें क और फिर ऐसे, तो ये गलत फॉर्म है, दिस इज रॉन्ग फॉर्म। ओके, सो कौवा र प्लस आओ प्लस न प्लस क रौनक। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद दीज वर्ड्स म प्लस आओ प्लस ज मौज। मौज मीन्स फन। प प्लस आओ पाओ ध आ पौधा। न प्लस आओ क आ नौका मीन्स शिप। अ प्लस आओ रत औरत। म प्लस आओ स म मौसम। मौसम मीन्स वेदर। न प्लस आओ क र ई बड़ी, ये बड़ी ई की मात्रा है। नौकरी। अ प्लस आओ श षटकोण वाला श ध धन वाला ध प्लस ई छोटी ई की मात्रा। औषधि। औषधि मीन्स मेडिसिन। च प्लस आओ र आ चौराहा। च प्लस आओ क ई द आर चौकीदार। प प्लस आओ ध श आ पौधशाला मीन्स नर्सरी। वन मोर टाइम, इस मात्रा को हम हमेशा इसी स्टैंडिंग लाइन के साथ लगाएंगे, व्यंजन के ऊपर नहीं लगाएंगे। इस वर्ड को अपनी कॉपी में करेंगे विद प्रॉपर डेट। थैंक यू।